जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इसी कड़ी में सरस विद्यालय कैंप 1 भिलाई में आनंद मेले का आयोजन किया गया। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस मनाया गया। चाचा नेहरू भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि ये बच्चों को अति प्रिय थे। इस अवसर पर विभिन्न आयोजन भिलाई शहर में भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भिलाई स्थित सरस विद्यालय में भी बाल दिवस मनाते हुए बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों से स्टॉल को सजाया और विभिन्न प्रदेशों के जायके को उपस्थित अतिथियों एवं अन्य गणमान्य के बीच प्रस्तुत किया। सारा शिक्षण समिति द्वारा संचालित सारा विद्यालय विद्यानगर में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आनंद मेला का महोत्सव रखा गया। इस मेले में बच्चों द्वारा विभिन्न राज्यों का व्यंजन और उनकी वेशभूषा में आकर आज इस मेले का आनंद हम लोगों को मिला, ये हमारा सौभाग्य। और इसका प्रमुख कारण हमारे विद्यालय के डायरेक्टर श्री रमेश कुमार मिश्रा जी, जिनका प्रोत्साहन और हौसला अफजाई करते हुए ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग का सहयोग मिला। इसके लिए मैं बच्चों का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आज एक चीज और ज्ञात हुआ, इन बच्चों को भविष्य में बिजनेस करने का तरीका इस आनंद मेले के द्वारा उनको ज्ञात हुआ है। इससे बहुत अचंभित हुआ और मैं सारे परिवार और सारा के बच्चों के जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए उनका भी हृदय से धन्यवाद। आनंद मेला महोत्सव वृंदानगर कैंप 1 में बच्चों के द्वारा विभिन्न राज्यों के व्यंजनों को बनाकर यहाँ पर लोगों के बीच में अपने व्यंजन कला का को प्रदर्शित किया जा रहा है और पूरे बच्चे अपने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज के तौर पर आपको कैसे लग रहा है? आज की अतिथि के तौर पर आपको कैसे लग रहा है? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे लोगों में अपना व्यंजन को बनाकर लोगों के बीच में प्रस्तुति कर रहे हैं और यह उनकी कला को भी प्रदर्शित करता है। और सारस विद्यालय के अध्यापक को और प्राचार्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों का आयोजन करके लोगों के बीच में अपने विद्यालय का और बच्चों का प्रोत्साहित करते हैं। स्कूली विद्यार्थियों ने इस आनंद मेले में भरपूर आनंद उठाया और अपने प्रिय चाचा नेहरू को याद करते हुए उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।